हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निशाज फूड प्लैनेट। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी डिलीशियस इंस्टेंट मलाई पूरी बनाने की रेसिपी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। इंस्टेंट मलाई पूरी रेसिपी बहुत ही ईजी है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर शुगर सिरप बनाया है। इसमें हमने एक गिलास पानी में 2 कप चीनी ऐड किया है। इसे हम एक तार की चाशनी बनाएंगे। इसे मीडियम आँच पर घोलने के लिए छोड़ देंगे। तब तक अपना हम मलाई पूड़ी का बैटर तैयार कर लेंगे। मलाई पूड़ी बैटर बनाने के लिए हमने यहाँ पर रसगुल्ला, गुलाब जामुन का जो पैकेट आता है पाउडर, वो यूज़ किया है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और मलाई पूड़ी बहुत ही सॉफ्ट होती है, जो कि आपके मुँह में ईजिली मेल्ट हो जाती है। सो हमने यहाँ पर एक पैकेट गुलाब जामुन मिक्स लिया है पाउडर। इसके हम पानी डाल के गाढ़ा घोल बनाना है हमें। मेक श्योर कि इसमें लम्स ना बने। घोल ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, घोल हमारा गाढ़ा होना चाहिए। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही इजी है, बहुत ही क्विक है। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ये सबको पसंद आती है बहुत। सो इसे आप किसी फेस्टिवल में बना सकते हैं। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये देखिए हमारा घोल कितना, बैटर कितना अच्छा तैयार हो गया है, गाढ़ा सा। अब हमारी चाशनी तैयार हो गई है। इसमें हमने हल्का सा फूड कलर यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर सेफ्रॉन भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमने यहाँ पर आधा लेमन जूस ऐड कर दिया है, ताकि जो शुगर है उसके क्रिस्टल्स ना बने और लेमन जूस से उसका फ्लेवर टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। शुगर सिरप हमारा रेडी हो गया है, चाशनी। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर हमें पैन में तेल गर्म किया है और यहाँ पर कलछी की सहायता से पैन के सेंटर में धीरे से हमें इसे घोल लेना है। ज़रा सा तेल यहाँ पर अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, फ्लेम हमारा मीडियम होना चाहिए। और देखिए ये पूड़ी अपने आप फूलने लगेगी। इसे आप ट्राई ज़रूर करेगा और बताएगा कमेंट में कैसी बनी है। एंड वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि एक भी स्टेप मिस ना होने पाए। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। देखिए पूड़ी कितनी सुंदर फूली है। इसे फ्लिप कर लेंगे। दोनों साइड से हमें इसे गोल्डन ब्राउन सेकना है। आपने मीठी पूड़ी तो बहुत खाई होगी, लेकिन जो मलाई पूड़ी है ये बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी होती है और ये बहुत ही डिफरेंट भी है। सो बनाइएगा ज़रूर, बताइएगा कैसी बनी है। देखिए मालपुओं को हम सेक लेंगे अच्छे से, पुओं को दोनों तरफ से। फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारी पूड़ियाँ जल जाएंगी। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे हल्का सा क्रिस्पी करके सेकना है, हल्का सा क्रिस्पी इसलिए ताकि जिसे जब हम डिप करें शुगर सिरप में तो इसे बहुत ही टेस्टी हो, अच्छा फ्लेवर आए। देखिए हमने ऐसे करके सारे मालपुओं को हमने फ्राई कर लिया है, तल लिया है। इसके बाद इसमें हमने जो शुगर सिरप बनाया था चाशनी, इसमें हमें डिप कर देना है इनको। मालपुओं को अच्छे से डिप करना है, मालपुए पूरे अच्छे तरीके से डिप होने चाहिए चाशनी में। ये देखिए अच्छे से भीग गए हैं, कितने टेस्टी यमी लग रहे हैं। सो बनाइएगा ज़रूर, बताइएगा कैसे बनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।